Hello everyone, it's Shulipta. Welcome back to my channel. So today's video gonna be very excited because आज मैं एक कृष्ण मूर्ति पेंटिंग करने वाली हूँ. आप लोग देख सकते हैं कृष्ण मूर्ति. तो मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करने वाली हूँ. तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने और मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी. तो पहले मैं वाइट एक्रेलिक कलर का एक लेयर अप्लाई कर दूँगी. के बाद ये सूखने के बाद मैं इस पर डबल लेयर अप्लाई कर दूंगी. सो डबल लेयर कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. अभी मैं इसका फेस का कलर अप्लाई कर रही हूँ. इसके लिए मैंने वाइट और ब्लू कलर को मिक्स किया है. सो फेस का कलर हो रहा है. अभी मैंने इसका बॉडी का कलर भी कंप्लीट कर लिया. सो अभी हो रहा है धोती का काम. तो मैं यहाँ पे सिर्फ येलो कलर यूज़ कर रही हूँ. मैंने ये थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया है ताकि ये येलो थोड़ा डीप कलर बन जाए. सो अभी हो गया येलो का काम. तो मैं धोती के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ. मैंने डायरेक्ट ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया. सो अभी हो रहा है दुपट्टे की बारी. तो मैं इस पर रेड कलर कर रही हूँ. तो जब तक ये रेड कलर हो रहा है तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना यार, बिकॉज ये एकदम मुफ्त है. सो कम टू द पॉइंट. अब मैं फ्लावर कलर कर रही हूँ यहाँ पे. और फ्लावर के बाद मैं फिर से आ गई हूँ धोती पे कलर करने. तो मैं यहाँ पे धोती का जो लाइट एंड शैडो है मैं उस पर कॉन्सनट्रेट कर रही हूँ. अभी बारी है मर पंख की. तो इस पर मैंने ग्रीन कलर कर दिया. सो ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है. तो अभी बारी है मुकुट की. सो जो भी ज्वेलरी कृष्णा ने पहन रखा था मैंने सब कुछ पे गोल्डन कलर कर दिया जो बहुत ही अच्छा लग रहा था. अभी है गौ माता की बारी. तो मैं यहाँ पे उनका जो सींग है मैं उसे ब्लैक कलर कर रही हूँ. उसके बाद मैंने उनके टांगों पे ब्लैक कलर कर दिया जिसे कूल बोलते हैं. अभी सबसे खतरनाक जो जगह है वो आ गया. सो मेरे हाथ बहुत ही कांप रहे थे आईब्रोज करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर भी किया और ये काफ़ी अच्छा भी हुआ. मैं बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही थी बिकॉज मेरा हाथ जो है पूरा कांप रहा था. और प्लीज़ इग्नोर माई नोज जो कि वीडियो में घुस रहा है. सो अभी आईब्रोज हो गया. तो मैंने आई कंप्लीट कर लिया. आई भी जल्दी हो गया था बट एक ब्लैक ब्लैक जो निकल गया था मैंने, लेकिन मैंने उसे साफ कर दिया बाद में. सो अभी हो रहा है आई. अभी बारी है लिप्स करने की. सो मैंने यहाँ पे पिंक बना दिया कृष्ण जी का. सो मुझे लिप पिंक ही पसंद है. मैं खुद के लिप्स पे भी ज़्यादा डार्क कलर अप्लाई नहीं करती हूँ. मुझे थोड़ा सा लाइट कलर ही लिपस्टिक पसंद है. सो फाइनल लुक ये रहा आप लोगों के सामने. तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा. मेरी कृष्ण जी का जो मूर्ति मैंने किया तो कैसा लगा बताना. और अभी के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.